आज हम आपको सफ़ेद चने जो होते हैं उनको हम अंकुरित करना बता रहे हैं। इसके लिए हमने भगोना लिया है जिसमें हमने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है। इसमें हम आधा किलो सफ़ेद चने, जो काबुली चना भी जिसे कहते हैं, वो हम डाल रहे हैं। और हमें क्योंकि जल्दी अंकुरित करना है तो इसको हम धूप में रखेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएगा, और उसके बाद हम इसे सूती कपड़े में बांध के लटकाएंगे। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, ये सुबह का 11 बज रहा है। 11 बजे मैं ये चने धूप में रख रही हूँ और हम देखते हैं कि ये साइज़ में डबल होने में कितना टाइम लेते हैं। ये देखिए, हमने 11 बजे चनों को भिगोया था, अब ये 2 बज रहा है दिन का। अब हम चेक कर लेते हैं कि धूप में रखने से कितनी जल्दी हमारे चने साइज़ में डबल हो गए हैं। ये देखिए, ये काबुली चने साइज में डबल हो गए हैं बिल्कुल, अब देख सकते हैं ये। बस अब हम इनको कपड़े में करके लटकाएंगे अंकुरित करने के लिए। ये हमने कॉटन का मलमल का दुपट्टा लिया है जिसमें हम चने अपने अंकुरित करने के लिए लटकाएंगे। किसी ने जो गलत डाला है, ये हमने सफ़ेद चने को लटका दिया है और अब हम देखते हैं कि ये कितना टाइम लेते हैं अंकुरित होने में। ये चेक कर लेते हैं चने, ये देखिए ये अंकुरित हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अंकुर, इसमें खूब बड़े बड़े अंकुर फूट चुके हैं इसमें, और ये हमने घर में ही अंकुरित किए हैं चने अपने हेल्दी।